अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू अनदर क्लास ऑफ इंग्लिश फॉर सेकेंड ईयर. स्टूडेंट्स टुडे आवर टॉपिक इज गोइंग टू बी रीडिंग सिलेक्शन 3.1 लेसन नंबर 7 विच इज लेसन फ्रॉम द बैटल ऑफ ओहद. गज़वा ओहद से एक सबक. ठीक है, जैसा कि मैंने आपको कहा था कि इसकी असाइनमेंट्स बनाए और 10 पॉइंट्स तैयार करें ताकि आपको गज़वा ओहद का एक ओवरऑल ओवरव्यू मिल जाए और आपको पता हो गज़वा ओहद में क्या क्या हुआ था और किस तरह से हम इसको पढ़ने लगे हैं और क्या सबक इससे हमें मिल सकता है. सो, इसको हम एक ब्रीफ स्टडी लेते हैं कि गज़वा ओहद क्या थी, किनके बीच लड़ी गई और किन हालात में लड़ी गई और इसके नतायज क्या हुआ, ये हमें पता होना चाहिए. इसलिए हम थोड़ा सा इसका ओवरव्यू ले लेते हैं और फिर हम इसकी चैप्टर की रीडिंग की तरफ आएंगे. सो, आए हम इसको थोड़ा सा देखते हैं कि गज़वा ओहद जो है किन हालात में लड़ी गई, किन के बीच लड़ी गई. जी, अब हम बैटल ऑफ ओहद का एक जनरल इंट्रोडक्शन लेते हैं कि वो किन हालात में लड़ी गई और वो कब लड़ी गई और वो किन के बीच में लड़ी गई. ये इंट्रोडक्शन आपके लिए जरूरी है, इसलिए आप इसके मेन पॉइंट जो मैं आपको बता रही हूँ उनको नोट डाउन करते जाएं, आपको चैप्टर में आसानी होगी ताकि जो बातें हम चैप्टर में करने वाले हैं वो आपको समझ आ सके, इसलिए हम ये इंट्रोडक्शन कर रहे हैं. बैटल ऑफ ओहद जो है, गज़वा ओहद जिसे कहते हैं, एक बात सबसे पहली बात आपने याद रखनी है कि गज़वा इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बज़ाते खुद इसमें हिस्सा लिया था. तो जिन जंगों में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिस्सा लिया था उन्हें गज़वा कहा जाता है. तो इसलिए इसे गज़वा जंग ओहद नहीं कहते बल्कि गज़वा ओहद कहते हैं. ये लड़ी गई सैटरडे 22 दिसंबर 624 CE यानी कि 7 शवाल को, और एक वहां पर मदीना में एक पहाड़ था जिसका पहाड़ अभी भी है जिसका नाम है ओहद, माउंट ऑफ ओहद, उसके करीब ये जंग लड़ी गई, इसीलिए इसे गज़वा ओहद कहा जाता है. ये बातें आपने याद रखनी है जहन में. फिर ये लड़ी किन के बीच गई, ये मक्का के कुरैश कबीले और मुसलमानों के बीच लड़ी गई. इस कुरैश कबीले के सरदार अबू सुफियान इब्ने हर्ब थे जिन्होंने 3000 लोगों के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैरोकारों पर मदीना में हमला कर दिया, और ये उन जंगों में से है जिसमें मुसलमान अपना डिफेंस कर रहे थे, अपना दिफा कर रहे थे, उन्होंने जंग की शुरुआत नहीं की. एक और बात इसमें आपने याद रखना है, वन मोर थिंग, कि ये वो अकेली जंग है, वो अकेला गज़वा है जिसके अंदर मुसलमानों को जीत नसीब नहीं हुई थी बल्कि वो हार गए थे, और ये तकरीबन 9 महीनों के बाद जंगे बदर के बाद लड़ी गई थी. अभी वो क्यों हार गए थे ये हम चैप्टर में पढ़ेंगे कि इसके क्या रीजंस थे. तो आपने जहन में रखना है कि वो पहली और आखिरी जंग थी जिसके अंदर मुसलमान हार गए थे कुरैश के आगे. ये देखें स्टूडेंट्स, इस गज़वा ओहद को, बैटल ऑफ ओहद को मुस्लिम कुरैश वॉर भी कहते हैं. इसका नाम यह है क्योंकि ये कुरैश और मुसलमानों के बीच लड़ी गई, तो इसलिए इसे मुस्लिम कुरैश वॉर भी कहते हैं. ये एक तस्वीर आप ऑन द राइट साइड ऑफ योर स्क्रीन भी देख सकते हैं. ठीक है, एक जंग की तस्वीर है, उस जमाने में तारीखदानों ने ये तस्वीर बनाई होगी और ये लिखा होगा. ठीक है, आप लोगों ने ये बातें जहन में रखनी है. जी, इसके अलावा इस गज़वा में ये बहुत जो है एक लूजिंग वॉर थी मुसलमानों के लिए, क्योंकि मुसलमानों से एक स्पेसिफिक गलती हो गई थी, उन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हुक्म नहीं माना था, सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को नहीं पूरा कर पाए थे, इसीलिए वो हार गए थे. और इसके अंदर हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बज़ाते खुद भी बहुत ज्यादा जख्मी हो गए थे, और इसमें मुसलमानों ने अपना बहुत कुछ खो दिया था अपनी एक छोटी सी मिस्टेक की वजह से. वो लोग जीत रहे थे, मतलब 3000 की आर्मी में भी वो लोग भारी पड़ रहे थे मुसलमान शुरू में, लेकिन जब थोड़ी सी गलती की मुसलमानों ने तो तब कुरैश ने हमला ज्यादा स्ट्रांग कर दिया और वो उन्होंने उनको हरा दिया. ठीक है, गलती मुसलमानों की थी, उन्होंने जो है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी और हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात को नहीं माना.
ठीक है, तो थोड़ी सी उनसे गलती होगी जिसकी वजह से वो ये पहली और आखिरी जंग हार गए। इसके बाद वो कोई जंग नहीं हारे, चाहे वो डिफेंसिव हो चाहे वो डिफेंसिव ना हो, मुसलमान हमेशा जीते हैं। ठीक है, और एक आखिरी बात आपने ज़हन में रखनी है कि अबू सुफियान ने क्यों हमला किया था मुसलमानों पर जंगे ये ओहद में, गजवाए ओहद में, क्योंकि गजवाए बदर में बहुत खातिर ख्वाह हार हुई थी कुरैश की, काफिरों की, मुसलमानों के हाथों। तो उसका बदला लेने के लिए जो अबू सुफियान इब्ने हर्ब थे, उन्होंने अपनी कयादत में एक 3 गुना ज्यादा आर्मी बनाई और मुसलमानों पर हमला कर दिया। तो ये एक बदले की जंग थी कुरैश की तरफ से, मुसलमान सिर्फ अपना दिफा कर रहे थे। ये बातें आपने याद रखनी है। अब हम अपने चैप्टर को शुरू करते हैं, जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो आपके जहन में ये बातें होंगी और आप इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो आए, जी, तो अब हम रीडिंग करेंगे। आपने यही याद रखना है कि ये यूनिट है रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला, ठीक है, जिम्मेदारी वाला, ड्यूटी वाला, ठीक है। आपका जो फर्ज है, जो ड्यूटी है, उसके बारे में आपको ये बताया जाता है, और ये लेसन भी प्रोबेबली आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और ड्यूटी के बारे में ही होगा कि किस तरह से जो गजवा ओहद में मुसलमान हारे थे वो क्यों हारे। द बैटल ऑफ ओहद वॉज एन एक्सटेंशन ऑफ द बैटल ऑफ बदर, स्मार्टिंग अंडर द इग्नोमिनी ऑफ देयर डिफीट एट बदर, द कुरैश ऑफ मक्का असेंबल्ड अ लार्ज आर्मी ऑफ 3,000 पर्सन्स एंड मार्च टू मदीना टू अवेंज देयर अर्लियर डिफीट। गजवाए ओहद गजवाए बदर का ही एक तसलसल था, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया था कि काफिर हार गए थे गजवाए बदर में, ठीक है, और मुसलमान जीते थे, इसलिए उसका बदला लेने के लिए फिर गजवाए ओहद हुई थी। बदर में अपनी शिकस्त की खुली रुसवाई के दर्द की वजह से कुरैश मक्का ने 3,000 अफराद का एक बड़ा लश्कर इकट्ठा करके मदीने की तरफ पेश कदमी की ताकि अपनी पहली शिकस्त का बदला लें। ठीक है, मैं आपको बता चुकी हूँ ये। द फोर्स वॉज लेड बाय अबू सुफियान विच इंक्लूडेड एवरी एडल्ट फ्रॉम द कुरैश। द फोर्स वॉज फुली इक्विप्ड विद द वॉर वेपन्स एंड अकम्पनीड बाय अ कंसिडरेबल नंबर ऑफ वुमेन हु सैंग सॉन्ग्स टू इंस्पायर द वॉरियर्स। द कुरैश वर कॉन्फिडेंट दैट दिस टाइम दे वुड विन एंड टीच मुस्लिम्स अ लेसन। इस लश्कर की कयादत अबू सुफियान कर रहे थे, मैं आपको ये बता चुकी हूँ, जिसमें कुरैश का हर जवान शामिल था। ये लश्कर जंगी हथियारों से मुकम्मल तौर पर लैस था और इसने ऐसी खवातीन की काफी तादाद भी मौजूद थी जो जंगजुओं को जोश दिलाने के लिए गाने गाती थी। कुरैश को यकीन था कि इस दफा वो जंग जीत कर मुसलमानों को एक सबक सिखा देंगे, ठीक है, उन्हें यकीन था कि इस बार वो जंग जीत जाएंगे कुरैश को। When the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam came to know of the intentions of the Quraysh of Makkah, he held a council of war. He was personally of the opinion that in view of the strength of the enemy, the proper course for the Muslims was to remain in Medina and let the enemy besiege the city. The idea was that if the enemy besieged the city, its force would have to disperse in a number of sectors and the Muslims could strike a blow at the enemy where the enemy's concentration was the weakest. अब हिकमत अमली बना रहे हैं हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने अपने पैरोकारों को इकट्ठा किया और उन्हें हदायत की कि इस तरह कर लें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। किस तरह किया उन्होंने? जब पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरैश मक्का के इरादों का इल्म हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जंग शोरी का इजलास बुलाया, मशवरा करने का इजलास बुलाया। जाती तौर पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि दुश्मन की ताकत को मद्देनजर रखते हुए मुसलमानों के लिए ठीक रास्ता ये होगा कि मदीना में रहते हुए दुश्मन को शहर का मुहासरा करने दें, यानी कि जो मुसलमान हैं वो मदीना में ही रहें और शहर का मुहासरा हर जगह से जो कुरैश के लोग हैं वो कर लें, क्योंकि उनकी तादाद ज्यादा थी, इनकी ताकत के हिस्सों में बढ़ जाएगी, ठीक है, इस तरह इनकी ताकत हिस्सों में बढ़ जाएगी, यानी कि अगर वो पूरे मदीना का मुहासरा कर लेते हैं तो उनके जो सिपाही होंगे वो फैल जाएंगे और बढ़ जाएंगे।
जहां पर दुश्मन कमजोर होगा, जहां से कमजोरी हमें नजर आएगी वहां मुसलमान उन पर कारी जर्ब लगाएंगे, यानी कि बहुत स्ट्रांगली उन पर अटैक करेंगे। ठीक है, ये हिकमत अमली हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने जाती ख्याल के मुताबिक दी मुसलमानों को। The younger elements among the Muslims, however, insisted that the battle should be fought in the open at some distance away from Medina. Their argument was that the enemy should not be allowed to approach Medina at any cost. Though the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam believed that the defensive strategy proposed by him was the best in the circumstances, yet in deference to the enthusiasm of young men to keep the enemy away from Medina, he agreed to meet the enemy in the open outside Medina. The Muslims could assemble a force of 1,000 persons only. तहम मुसलमानों के दरमियान मौजूद चंद जवान सहाबा कराम ने इस बात पर जोर दिया। सहाबा कराम वो होते हैं जो जिन्होंने हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनी आंखों से देखा हो, पर जोर दिया कि जंग मदीना से बाहर कुछ फासले पर खुले मैदान में लड़नी चाहिए। अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आइडिया जो प्लान दिया था जाती तौर पर, उससे थोड़े से जो शीले नौजवान थे, जो सहाबा कराम थे, जो शकरोश में थे, उन्होंने इस बात को थोड़ा सा चेंज करना चाहा और कहा कि हमें मदीना से कुछ बाहर कुछ फासले पर यह जंग लड़नी चाहिए, दुश्मन को मदीना तक नहीं पहुंचने देना चाहिए। उनका यह ख्याल था सहाबा कराम का। इनकी दलील ये थी कि दुश्मन को किसी सूरत में मदीना में पहुंचने ना दिया जाए। अगरचे पाक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख्याल था कि इन हालात में इनकी तजवीज करदा दिफाई हिकमत अमली बेहतरीन थी, मगर नौजवानों के जज्बात का एहतराम के तौर पर दुश्मन को मदीना से दूर रखा जाने के भी इत्तफाक हुआ। ठीक है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना से बाहर खुले मैदान में दुश्मन से नबर आजमा हुए होने पर राजी हो गए। मतलब उन्होंने भी इस बात पर एग्री कर लिया कि चले आप जो कह रहे हैं मदीना से कुछ फासले पर हम ये जंग लड़ लेते हैं। मुसलमान में से सिर्फ 1,000 अफराद पर मुश्तमिल लश्कर जमा कर सके, मतलब अब वो 3,000 हैं कुरैश के लोग और मुसलमान सिर्फ 1,000 हैं। When the Holy Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam gave the order for the march to the battlefield, 300 hypocrites, munafiqeen, hypocrites munafiqeen को कहते हैं, ठीक है, led by Abdullah bin Abi withdrew and went their homes. The Holy Prophet was thus left with 700 persons only, and this was 1/4 of the strength of the enemy. जब तक पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मैदान जंग की तरफ पेश कदमी का हुक्म दिया तो 300 मुनाफिकीन की कयादत अब्दुल्ला बिन अबी कर रहे थे, पसपा होकर अपने घर को चले गए। मतलब जो जाहिर है जो अफवाज में से मुनाफिकीन होंगे, जो उनके साथ नहीं मिलना चाहते, मतलब जाहिर है वो 3,000 हैं, ये 1,000 थे, तो उन्होंने अपने कदम पीछे कर लिए। उन्होंने कहा हम इस जंग में हिस्सा नहीं लेंगे। तो अब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो लश्कर है वो सिर्फ 700 लोगों का रह गया था, 300 लोग निकल गए थे। इस तरह मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास सिर्फ 700 अफराद रह गए और ये दुश्मन के मुकाबले में 1/4 थे। ठीक है, 1/4 लोग थे दुश्मन के मुकाबले में, वो 3,000 ये 700। ओहद, a few miles from Medina, was a great stretch of barren rock rising out of the desert without any growth of vegetation. The Holy Prophet commanded the Muslims' warriors to take up their position at Uhud on the rising ground. A band of archers took up positions on the adjoining mound behind the main position. The archers were commanded not to abandon their post under any circumstances without the approval of Holy Prophet सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब क्या हुआ, ओहद मदीना से चंद मील के फासले पर बंजर चट्टान पर मुश्तमिल सहरा में वाकया पहाड़ी सिलसिला है। ठीक है, बंजर जमीन है इसमें, जिस पर किसी भी किस्म का कोई सब्जा नहीं है। पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमान जंगजुओं को ओहद नामी में टीले पर पोजीशन संभालने का हुक्म दिया। ठीक है, उनको कहा कि आपने यहाँ पोजीशन संभाल लेनी है। तीरंदाजों के एक टोले ने ऊंची पहाड़ी के साथ टीले पर पोजीशन संभाल ली। ठीक है, तीरंदाज के लाइन लगा के बैठ के टीले पर,
तीरंदाजों को हुक्म दिया गया हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि वो किसी भी हालत में अपने मोर्चे ना छोड़े, मतलब उन्होंने अपने जगह नहीं छोड़नी पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत के बगैर। जब तक हजरत मुहम्मद सल्लम इजाजत ना दें तब तक उन्होंने अपने मोर्चे नहीं छोड़ने। जी, तो हमने यहां तक इसको कंप्लीट कर लिया रीडिंग की। अभी तक जंग शुरू नहीं हुई, हिकमत अमली शुरू हुई है, जंगजू आकर अपने जगहों पर बैठ गए हैं। अब इन द नेक्स्ट लेक्चर मैं आपको इसका बकिया हिस्सा पढ़ाऊंगी और समझाऊंगी कि ये एक्चुअल लेसन क्या देना चाह रहे हैं आपको गज़वाए उहद से। आई होप आपको इसका इंट्रोडक्शन समझ आ गया होगा और इसमें जो इम्पोर्टेंट बातें वो आपने लिख भी ली होंगी। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।